वक्फ अधिनियम में सरकार द्वारा संशोधन समय की आवश्यकता के अनुरूप किए जाने वाला प्रयास है। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नागपुर के गोरक्षण में सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें ये जानकारी साझा की गई। यह वक्फ का जो विषय है, यह दिन ब दिन इस प्रकार से अपना राक्षस रूप लेते जा रहा है। समझ में आ रहा है कि आने वाली परिस्थिति बहुत विकट होने वाली है और अभी उनका परिणाम भी आना प्रारंभ हो गया। हम सभी जानते हैं कि अंबानी जी का जो घर है मुंबई में दिल्ली, वहाँ पर उन्होंने नोटिस भेज दिया। अन्य ऐसे कुछ प्रमुख मंदिरों है वहाँ पर भी उन्होंने नोटिस भेजना प्रारंभ किया। हम सभी जानते हैं कि कोर्ट भी वही है, सुप्रीम कोर्ट भी वही है, हाई कोर्ट भी वही है, कोई सुनवाई नहीं है। तो इसका कहीं ना कहीं इसका जन आंदोलन होना चाहिए, संसद तक हमारी आवाज़ जानी चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या हमको सामने आगे करना पड़ेगा और इस वक्फ बोर्ड के बारे में जिन्होंने पूरा अध्ययन किया है। उसके पहले मैं हमारे प्रांत के मंत्री आदरणीय प्रशांत जी से विनती करूँगा। गोविंद जी संपूर्ण महाराष्ट्र में इस विषय को लेकर उनका पूरा अध्ययन हुआ है और इस विषय को लेकर पूरे महाराष्ट्र में उनका प्रवास भी शुरू है। आदरणीय गोविंद जी से निर्देश में विनती करता हूँ कि वो हमारे सामने वक्फ बोर्ड के विषय में पूरा मार्गदर्शन करें। विगत कुछ दिनों से अनेक चैनलों के ऊपर इस पर डिबेट हुई और अनेक चैनलों ने अपने आधे आधे घंटे का कार्यक्रम के लिए इसके अंदर प्रस्तुत किया। अभी देश के अंदर जो वक्फ बोर्ड का जो विषय आया है, ये मुस्लिम समाज के द्वारा है। जिस देश के अंदर कभी वक्फ बोर्ड नहीं था, लेकिन वोटों की तुष्टिकरण की राजनीति इस देश के अंदर स्वतंत्र होने के बाद से प्रारंभ हो गई और पंडित नेहरू जिस समय प्रधानमंत्री थे उस समय इस वक्फ बोर्ड का नियम उन्होंने इसका निर्माण किया। और निर्माण करने के पीछे का जो भाव था यह था कि भाई मुस्लिम संपत्तियां हैं उसकी देखरेख करने के लिए कोई एक कमेटी होनी चाहिए, तो वो कमेटी का निर्माण हुआ। लेकिन उनके मन के अंदर फिर लालसा इस सब पड़ी और उन्होंने अनेक संपत्तियों को वर्ग की संपत्ति घोषित कर दिया। उस कानून के अंदर सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, जिसको सबसे बड़ा जो विरोधाभास है, वो ये है कि उसकी अपील कहीं नहीं है। हमारे यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई झगड़ा होता है, कुछ होता है, तो क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, FIR करते हैं, वहां से भी मामला नहीं सुलझा तो कोर्ट के अंदर जाते हैं, कोर्ट में अपील करते हैं, कोर्ट में आवेदन लगाते हैं, कोर्ट सुनवाई करता है, दोनों पक्षों को सुनता है, अपना निर्णय देता है। लोअर कोर्ट का निर्णय हमको मान्य नहीं हुआ तो हाईकोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट का मान्य नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन वर्ल्ड कोर्ट को अधिकार है, उन्होंने भी कृष्ण मंदिर के ऊपर कह दिया ये वर्ल्ड की संपत्ति है, इसको एक महीने का नोटिस देंगे ये खाली करो। इसकी सुनवाई कहीं नहीं है, इसकी सुनवाई करेगी तो इसकी आपत्ति सुनेगा तो वही वर्ल्ड बोर्ड सुनेगा जिसने इसको कब्जा किया है, जिसने इसको नोटिस दिया है। मतलब क्या हुआ, तुम्हें डाका डालो और तुम्हें न्याय करो। तो डकैत कभी न्याय कर सकता है क्या, चोर कभी न्याय कर सकता है क्या, वो तुमने डाका डाला है, डाका डालकर संपत्ति को हड़प लिया है और उसी से हम करेंगे। अरे नहीं साहब माफ करो, ये संपत्ति आपकी नहीं, मेरी है, वो जो की है उन्होंने दी थी, क्या कुछ नहीं मेरी है, उसकी बात को माना जाएगा। आपको किसी कोर्ट के अंदर न्याय मिलने मांगने के लिए जाने का अधिकार ही नहीं है। ये कौन सा नियम है, ये कौन सा कानून है, ये कौन सा कायदा है, ये तो लोकतंत्र के खिलाफ है और लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाइयां देते हैं, संविधान खतरे में है, संविधान समाप्त तो होने वाला है, बात करने वाले इस वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रहे हैं। इसमें संशोधन होना चाहिए, इस कानून रद्द होना चाहिए, उनके अधिकारों के अंदर कटौती होनी चाहिए, हमको अपने अधिकार मिलने चाहिए, हम अपनी संपत्ति का दावा कर सकते हैं, छुड़वाने की कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसा अधिकार हमारे पास में सुरक्षित होना चाहिए। इसके लिए हमको कुछ कार्यवाही करनी है और इसलिए आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया, निवेदन किया आपसे, वो आईडी
और उसके जो 40 संशोधन है अनिल जी आपको सबको उपलब्ध कराएंगे, उसको स्टडी करके। लेकिन ये सब काम हमको करने के लिए बहुत कम समय है। ये जो 12 तारीख अभी आने वाली, आज की 6 तारीख है, जो 12 तारीख है इस तक हमको वहां पर भेजना है, 12 तारीख के पहले पहले उसको भेजना है। उसके बाद में एक काम और हम करने वाले हैं, सोशल मीडिया के ऊपर इसको हम चलाएंगे कि हमारे यहाँ के जो लंबे प्रतिष्ठित लोग हैं, संत हैं, महंत हैं, बड़े लोग हैं, सामाजिक क्षेत्र के अंदर जितने बड़े बड़े नाम हैं, उनके सबके इस विषय के ऊपर बाइक्स लेंगे, एक मिनट की, दो मिनट की, उसको सोशल मीडिया पर चलाएंगे। आवश्यकता पड़ेगी पत्रकार वार्ता करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी कहीं वन टू वन डिबेट करवाएंगे, जो जो करना पड़ेगा वो सब करेंगे। लेकिन सिर्फ आप इतना काम कर लीजिए कि अपने ओर से एक ईमेल उस पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजिए, संस्थागत रूप से और वैयक्तिक रूप से तो आप भेजिए, जितने ट्रस्टी है उसका ट्रस्टी भेजिए अपने अपने नाम से। इतना दबाव पार्लियामेंट्री कमेटी के ऊपर बनेगा, विचार करने की ताकत बढ़ेगी हमारी और हिंदुओं का पक्ष मजबूती के साथ वहाँ पर रखा जाएगा। तो मैं आपसे ज़्यादा और मैं कुछ कहते हुए अपना निवेदन करता हूँ कि अपने इस विषय को लेकर के ऊपर गंभीर होइए, अध्ययन करिए, आपके वकील से भी बात करिए, एक करके अपने लेटर पैड के ऊपर इस संशोधन के समर्थन में एक ईमेल पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजिए। ऐसा है, अभी देश के अंदर जो वर्ल्ड बोर्ड के बारे में विषय चल रहा है, केंद्र सरकार ने जो एक बिल प्रस्तुत किया संसद के अंदर और उसमें कुछ संशोधन दिखाए हैं, उन संशोधनों का अनेक राजनीतिक दलों ने विरोध किया है, इसलिए वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में बिल गया हुआ है। हमारा ऐसा मानना है कि वो जो 40 संशोधन उसके अंदर दिखाए गए हैं उन संशोधनों को लागू करके वर्ल्ड बोर्ड के अंदर संशोधन करना चाहिए, और इसलिए समाज के अनेक लोगों के साथ इस विषय के ऊपर चर्चा विमर्श बातचीत करके ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने जैसे समाज के लोगों से अपने प्रस्ताव मांगे हैं वो प्रस्ताव इन्होंने भी भेजने चाहिए। कैसे भेजने चाहिए, किस ईमेल पे भेजने चाहिए, इन सब बातों की जानकारी देने का काम हमने किया है। आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए मध्य भारत का जाना माना नाम माधव नेत्रालय, यहाँ आँखों की पूरी तरीके की जांच के साथ सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं, मोतियाबिंदु, काज बिंदु, रेटिना, साथ ही कॉर्निया के उपचार भी होते हैं। तिरछेपन और युवाओं में चश्मा हटाने का ऑपरेशन भी आधुनिक लेजर तरीके से होता है। आँखों की सभी समस्याओं व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें माधव नेत्रालय, साई मंदिर के पास, गजानन नगर टी पॉइंट, अजनी, नागपुर। डायल करे 6785200 या माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर, वासुदेव नगर मेट्रो स्टेशन के पास, हिंगना टी पॉइंट, नागपुर। डायल करें 3502300। आयुष्यात प्रगती तेव्हाच होते जेव्हा अंगभूत गुणांना योग्य संधी मिळते। ग्रामीण महिलांना आत्मसन्मानाने जगता यावे, त्यांची जीवनोन्नती व्हावी म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्र कार्यरत आहे। गरीब महिलांच्या आयुष्यात समृद्धी यावी म्हणून उपजीविकेचे विविध स्रोत निर्माण केले जात आहेत। त्यांना स्वयंसहायता गट ते महिला किसान सशक्तीकरण परियोजनेचा लाभ मिळतोय। महिला बचत गटातील उत्पादनांच्या विक्रीसाठी महालक्ष्मी सरस माध्यमातून हक्काची बाजारपेठ मिळवून दिलेली आहे। शेतकरी महिलांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी 400 शेतकरी कंपन्या स्थापन केलेल्या आहेत। आज ग्रामीण भागातील लाखो महिलांच्या जगण्याचा दर्जा उंचावतो आहे महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, निर्धार ग्रामीण विकासाचा, महाराष्ट्राच्या उन्नतीचा। ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, महाराष्ट्र शासन।